स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको दोबारा मिलने जा रहे हैं विद साइंस यूनिट कंबस्शन एंड फ्लेम। तो उस दिन मैंने आपको समझाया था कि कंबस्शन होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्शन? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा पदार्थ जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, एंड आफ्टर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। और फ्लेम मैंने आपको समझाया था, जो आग जलने से जो ऊपर लाल जैसी बनती है, दैट इज कॉल्ड ए फ्लेम। सो आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक, व्हाट डू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू, बड़ा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंप्लीट बर्न। मान लो 1 kg आपके पास कोई पदार्थ है, 1 kg फ्यूल है, 1 kg आपके पास ईंधन है, 1 kg ईंधन जलने से पूरी उसकी कंबस्शन होने से, कंप्लीट बर्निंग होने से जितनी भी हीट प्रोड्यूस निकलेगी, 1 kg ऑफ बर्निंग ऑफ कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मान लो आपके पास 1 kg आपके पास LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 1 kg LPG जलने से जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी गर्मी प्रोड्यूस होगी, वो उसकी LPG क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू। देन कंबस्शन, कंबस्शन का प्रोसेस जब भी होता है उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहले जिस पदार्थ को आपने जलाना है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन चाहिए। और नंबर 3, आपको क्या चाहिए? उसकी इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, एट विच द सब्सटेंस कैचेस द फायर इजली, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सो नेक्स्ट वन, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने शहरों में देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में ऑटोमोबाइल्स में क्या यूज हो रहा है? सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यूज ऑफ सीएनजी जो है इन ऑटोमोबाइल्स में इन बिग सिटीज रिड्यूस पोल्यूशन। उससे पोल्यूशन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, पोल्यूशन कम होता है। इसका क्या कारण है? और मैक्सिमम बड़े सिटीज में ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी यूज हो रही है। तो लोग क्यों सीएनजी यूज कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों ऑर्डर कर रही है सीएनजी यूज करने का? बिकॉज सबसे पहले खासियत यह है सीएनजी की कि सीएनजी जो है क्लीन फ्यूल है, साफ सुथरा है। व्हेनेवर इट बर्न्स, जब भी सीएनजी जलती है, ये कभी भी हार्मफुल गैसेस बाहर नहीं निकालती। नंबर 1, एक तो क्लीन फ्यूल है, हार्मफुल गैसेस निकालती। नंबर 3, स्मोक भी नहीं निकालती है सीएनजी। इन्हीं चीजों को देखकर, इनके माध्यम से बड़े बड़े शहरों में जो है ऑटोमोबाइल्स में किसका प्रयोग किया जा रहा है? सीएनजी। नाउ अब है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वुड। इनको अपने कंपेयर करना कि इनका क्या है। बेटा इन अर्लियर टाइम्स, पुराने जमाने में लोग लकड़ी पर ही खाना बनाते थे, चूल्हे लोगों ने घर में बनाई होती थी। बेसिकली लकड़ी से जो खाना तैयार होता था वो बड़ा ही एक डाइजेस्टेबल खाना होता था, अच्छा होता था, स्वादिष्ट होता था। लेकिन समय के अनुसार, समय के डिमांड से लोगों ने लकड़ी को जलाना छोड़ दिया, तो LPG का इस्तेमाल किया। तो LPG का फायदा क्या है? सबसे पहले जो है LPG की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बड़ी हाई होती है, नंबर 1। नंबर 2, LPG जो है ये ब्लू फ्लेम से जलती है। नंबर 3, LPG जब भी जलती है ये स्मोकलेस है, धुआं बड़ा कम निकालती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बड़ा कम होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, वुड जो है, ये जब भी हम वुड को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, ये स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करेगी ड्यू टू स्मोक, तो हमारा वातावरण में पोल्यूशन ज्यादा होगा। पोल्यूशन ज्यादा होगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है। तो वुड के मुकाबले में LPG को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट नेट शेल रिजल्ट, माय डियर स्टूडेंट, नेट शेल रिजल्ट जो है आपका वो ये है कि खाना जल्दी तो बन जाता है LPG में, फायदे तो इसके हैं, पोल्यूशन कम है, लेकिन LPG से बना हुआ खाना, LPG पर बनाया हुआ खाना जो होता है वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता, वो पूरा खाना तैयार नहीं होता। लकड़ी पे बेटा जो खाना तैयार हुआ करता था पहले जमाने में, वो लोग फिजिकली भी फिट रहते थे,
आज आप देखेंगे एलपीजी है जी, चाय बन गई, भूम न बन गई, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो सब फायदा भी है। देखिए किसी भी चीज का फायदा होगा, दूसरे हाथ उसके आंधी हाथ रहने का नुकसान भी होता है। तो ये था कंपैरिजन ऑफ एलपीजी विद वुड। सो टुडे इज एनफ, डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट। ठीक है।